कृपया करके मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी भाई इधर उधर खड़े हैं या घरों में हैं तो कृपया प्रणाम में पधारे और साहब के विचार सुने। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम और जितने भी ये बाहर से आए हुए हमारे साथी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सोचने का मजबूर हो जाए। आपको एक ही बात सोचनी है कि इस परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के आपको मुझे वचन देना होगा कि इस बार आपका साथ सच्चाई और ईमानदारी को होगा, इस बार आपका साथ संदीप सिंह को होगा। क्यों जी साथ हो? कौन कौन साथ देना चाहता है मैं देखना चाहता हूं। कोई ऐसा तो नहीं है जो साथ ना देना चाहता हो। ये तो जी 100% है, 100%। एक बार ताली बजा दीजिए। देखिए आज हम महेंद्रगढ़ में मौजूद है और ये कटिकान मोहल्ला यानी कि नया मोहल्ला है कटिकान का, ये नए मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारी जनसैलाब उमड़ा हुआ है और पूरा का पूरा मोहल्ला यहाँ पे पूर्व SDM संदीप सिंह को समर्थन दिया है। यहाँ पे इनको बुलाया है, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया है। और जो जिस तरह से चुनावी बिगुल बजा है हरियाणा में, आप देख सकते हैं एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और महेंद्रगढ़ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये बदलाव की दिशा में दिखाई दे रहा है। तो काफी लोगों से हम बातचीत करेंगे तो और ये देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो पहले मैं यहाँ के जो कुछ स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत करूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी? कहने को तो बहुत कुछ है कि हमारा तो जो हमने पिछली बार जो साहब को जिताया था ना हमारी समाज के वोटों से, और उनसे हम इनको साहब को आश्वासन देते हैं कि 100% करके दिखाएंगे, ये हमारा दावा है। और अगर सहन के दिन सुलटे लाने हैं, अगर ठोकरें नहीं खानी हैं, तो मैं सभी से शहर वासियों से भी और गांव वासियों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि साहब को लेके आए और अपना सुधार कराएं। धन्यवाद। जय भारत। बिल्कुल देख सकते हैं युवाओं में किस तरह से जोश है। ये प्रोग्राम तकरीबन जो है युवा साथियों ने अपने तरीके से हैंडल किया था और काफी यहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद हैं, उनसे जानता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने संदीप जी को सुना है, क्या कहना चाहेंगे? सर साथ रहते आया, आप भी साथ रहेंगे, तन मन से, तन मन से साथ है। तो देखिए कितना जोश है, ये बुजुर्ग नहीं है, ये युवा की तरह बात कर रहे हैं। देखिए सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो काफी दिनों से साथ हूँ जी, कम से 15 साल से। 2010 में 6 दुकान जड़ गई थी हमारी, तो साहब ने खड़ा होके बनवाई थी हैं जी। और ये उसमें एक दुकान पे कम से कम 10 आदमी काम करते हैं, तो 6 दुकानों पे कम से कम 100-150 आदमी के पेट भरते
पेट भरते हैं अपने। तो साहब का कभी हम आपका आपका विश्वास हमें, हम आपके साथ हैं। तो वो दुकान आप ही की थी क्या? जी हाँ, एक मेरी थी, पांच दुकान और थी सिर्फ। अच्छा, वो मतलब कंफर्म पता है कि साहब ने करवाई थी? हाँ जी, साहब ने करवाई थी, कंफर्म है जी। अच्छा, मैं वही खड़ा था जी। बिल्कुल, ये देखिए इन्हीं की दुकान थी और ये भी जो है लगातार साथ है। सर क्या कहना चाहिए? बोल दो की बात, हम तो साथ है, साथ के साथ है, साथ ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इतना जोश है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहते हैं पिछले इलेक्शन में साहब के साथ थे, आपका ने अब भी साहब के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए युवा शक्ति काफी मौजूद है, मैं कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई क्या कहना चाहोगे आज साहब को सुना है? एसडीएम के साथ थे जी, साथ है और साथ रहेंगे, सिर्फ एसडीएम, सिर्फ एसडीएम, ओनली एसडीएम, नो किसी ने और नॉट और नहीं कोई और किसी नेता को नहीं। क्या कहना चाहोगे सर? मैं एसडीएम साथ रहे, साथ साथ रहेगी हमेशा। अच्छा, पूरा मोहल्ला साथ है? पूरा मोहल्ला साथ है। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहिए? हम तो पीछे भी साथ थे एसडीएम के और अभी साथ रहेंगे, और कैंडिडेट जैसे आएंगे वो नजर मिलाएंगे ना तो शर्माएंगे हमसे, तो शर्माएंगे क्या? मेरा तो ये होता है अब भी वो नू कहेंगे ना हमें वोट दे, अरे सुसरे वोट के तुम तो लीतरे के काबिल में नहीं हो, वोट तो दूर की बात रही। मतलब उन नेताओं को नकार दिया? ना ना, नकार के मेरा बस चला था, उनका चप्पल मारू पांच पांच चप्पल और हिसाब मांगू कर रहे थे, अब तो दुखी हो गए, कह रहे हैं दुखी हो गए, क्या करे? ये शहर में कौन करवाया? करवाया क्या सुसरो? मैं तो कहूँ सुसरो को सर कलम कर दे, सर कलम कर दे उनका, इतना गुस्सा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल दिखाया जा रहे हैं जी, कोई कैंडिडेट आवे तो सच्ची सच्चाई, एक सच्चाई है इनसे कामयाब है। और देखो एसडीएम साहब, देखो एसडीएम साहब से कितनी उम्मीद है? हमें तो पूरी उम्मीद है। अच्छा, पूरी उम्मीद है, उनको तो देख लिया हमने, कई कई साल इंतजार करके देख लिया, थक चुके हैं इंतजार, थक चुके, अब इंतजार नहीं होता ना इंतजार के, मेरा बस चले तो है ना, वे नजर मिलाएंगे ना, नजर मिलाएंगे उनको थूक थूक दूं, अरे तुम वोट लेने के लिए आयो। बिल्कुल, तो देख सकते हैं इस तरह से जो पुराने नेता है उनके प्रति गुस्सा देख सकते हैं, भाई गुस्सा है। और ये भाई साहब मौजूद है, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तरफा जीतेंगे, एक लाख वोट जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे, एक लाख वोट जीतेंगे, एक लाख वोट जीतेंगे। अच्छा क्यों भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात है। बिल्कुल सही। सर क्या कहना चाहेंगे आप भी आए यहाँ पे? सर जी को संदीप जी को लाएंगे जी और इनको जिताएंगे, संदीप जी को लाना है, संदीप जी को लाएंगे। तो इससे बढ़िया और नेता? मैं अग्रवाल समाज के नाते से कहता हूँ कि पूरी अग्रवाल समाज इनको साथ देगी और हम अग्रवाल समाज को भी अपना उनको संदेश देंगे कि भाई हमने वादा किया है, आप इनको अपना वादा को निभाने का पूरा प्रयास करें। अग्रवाल भाई साहब मौजूद है, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? मेरा पूरा गाँव 60% संदीप साहब के साथ। माजरा गांव जी, माजरा खुर्द जी। बिल्कुल, तो देख सकते हैं सभी जो व्यक्ति हैं, सभी लोग हैं, वो अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। ये एक एजुकेटेड आदमी है जी और ऐसे ईमानदार आदमी है, तो सेंटर में ही बहुत जरूरत है जी। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी परमात्मा इनको उन्नति करके सेंटर तक पहुँचाए, सेंटर तक पहुँचाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए काफी लोग मौजूद है यहाँ पे। और सर क्या कहना चाहेंगे बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा भाई साहब ने सही गाड़ी पे एक साल जूता मारो, एक साल हो गया मकान फुटवा के ना गिर दिया, मैं अपने सामने टीन का मकान में रहूं, सारी टपके हूं तो सारा कोई काम निकल के दे। मैंने लैट्रिन बनवाई, संदीप सिंह के पास गया मैं, हत्या जी मैंने मेरा पैसा मिला, लैट्रिन बन गई मेरी। संदीप जी ने आपका काम करा? काम करा, लड़कियां शादी गई तो भी सारा काम करा, लड़की की शादी में मदद करी, सारी मदद करी मेरी। अच्छा, मैं तो कई साल से जुड़ रहे हैं, मेरा कारगुड़ी सर्किट बनी हुई है। संदीप जी से बेस्ट कोई नहीं है? कोई नहीं, संदीप सिंह के साथ पीछे भी था, अब भी साथ हूँ और जाऊंगा। भाई देख सकते हैं यहाँ का माहौल जो है एक तरफा सा होता दिखाई दे रहा है और काफी युवा और हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे संदीप जी को? आपने भी सुना है, क्या विचार? हम तो जी संदीप सर के साथ थे पहले भी, अब भी है और साथ रहे, साथ ही रहेंगे। हाँ साथ रहे। तो इनके टक्कर में कोई नेता नजर नहीं आ रहा? हाँ कोई नहीं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? आपके बाद संदीप सर को लाएंगे, महेंद्रगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। महेंद्रगढ़ को बढ़ाना है, क्या कहना चाहोगे? पिछले कई साल से दो शेर छोड़ रखे थे, अब की बार जंगल यही रहेगा पर शेर बदलेगा और हम बदल के दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए युवा जिस तरह से
ये जो चुनाव की कमाल लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उसको पूरा भी करके दिखाते हैं। और यहाँ पे काफी महिलाओं की तादाद भी देखिए आप, काफी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाओं की तादाद भी काफी देखने को मिली यहाँ पे, और उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे संदीप जी के विचार सुनने कैसे। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम अंगूरी देवी है, मैं सोनी जी की घरवाली हूँ, सुरेश सोनी मेरा घरवाला है, और मैं यही इनको आशीर्वाद देती हूँ, देवी माता की वजह से इनका हाथ मेरे इनके सिर पर रहेगा और जीत इन्हीं की होगी, ये मेरा बेटा है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे माता जी, बताइए माता जी क्या कहना चाहेंगे। संदीप जी इनको लाएंगे, महेंद्रगढ़ चमकाएंगे, जो उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफी महिलाएं मौजूद हैं यहाँ पे और ये कहते हैं कि संदीप जी को लाएंगे और महेंद्रगढ़ चमकाएंगे, और क्या कहना चाहेंगे बताइए। गरीबों की सहायता करेंगे, इनको जिताएंगे कि हमारी सहायता करेंगे, हम दुखिया आदमी हैं, हमारी सहायता करेंगे, हम बहुत दुखिया, बिल्कुल हमारी सहायता करेंगे। बिल्कुल, देखिए ताई जी के आंखों में आंसू आ गए और संदीप जी ने काफी कुछ किया हुआ है, क्योंकि ये कहने की बात नहीं है, लगातार ये हर व्यक्ति की सेवा करते रहे हैं, अपनी पेंशन की जो पेंशन थी या तनख्वाह थी वो कभी घर लेके लेंगे। इनकी माताजी जो इनसे पूछती थी कई बार, ये अपने स्पीच में बताते हैं कि इनकी माताजी पूछती थी कि भाई वो तनख्वाह कहाँ है, बोला तनख्वाह तो खत्म मिली नहीं, लेकिन वो गरीबों में बांट दी जाती थी, और आज भी ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो लगातार इनसे अपना घर चला रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे जी आप बताइए माताजी। चलो ठीक है, देखिए आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी साथी, हम तो जी मार देखो बालक कड़े पर पेट पट्टी बांध के पढ़ा रखे, हमने लगाओ बिल्कुल धंधे लगाओ मेरे बालकन। तो देखिए ये पीड़ा है यहाँ के लोगों की, यहाँ पे बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई नौकरी पेशा नहीं है यहाँ पे, तो सभी लोग जो है अपनी मन की पीड़ा बता रहे हैं, और यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं थोड़ा जान लेता हूँ। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे सर। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमने 40-45 साल तक उन दो आदमियों को देखा है, दो आदमी बाइक बना रखी है उन्होंने, तो पाई एक बार तू एक बार नहीं, और हम पिछली बार भी इनके साथ थे, मुकद्दर से कुछ थोड़ा बहुत रह गए, हम अब की बार पूरा जोर लगाएंगे इनको कामयाब करेंगे, ऐसे ईमानदार आदमी कहीं नहीं मिलेंगे, तो बताओ इनको तो जिताना है। इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, नौकरी भी छोड़ दी इन्होंने, अपनी एक क्लास की नौकरी थी इनकी, तो डीसी बन जाते अब तक। हाँ डीसी बन गए। तो देखिए कुछ और साथी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सर एक बार आ जाइए आप, इधर आ जाइए। देखिए ये राधे राधे के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, और हर वक्त जो है भगवान का नाम लेना बहुत अच्छी बात है, तो सर क्या कहना चाहेंगे। लगातार हम आपको संदीप जी के साथ देखते हैं, और आपके साथ काफी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, तो अब की बार चुनाव आ चुका है नजदीक, किस तरह से मेहनत करने वाले। मैं सभी भक्तों से ये अरदास है मेरी बाबा की तरफ से कि बाबू संदीप सिंह का याद करते हुए करते राधे का नाम लो, राधे का नाम अनमोल, रटे जा राधे राधे, जब वोट डालने जाए तब भी मालिक का नाम लेके बाबू संदीप सिंह को जिताएं। तो देखिए काफी युवा शक्ति मौजूद है, भाई इधर आ जाए एक बार आगे जाओ। देखिए काफी यहाँ पे थोड़ा रोशनी भी कम है, अंधेरा हो चुका है, तो भाई क्या कहना चाहोगे, कितना जोश है अब की बार युवाओं में। जोश तो जी पूर अपना सबकी बार, अब की बार और संदीप सरकार अपनी है भाई। अच्छा है। और एक एक वोट अपना मोहल्ला से संदीप सरकार की है, अब की बार जीता है भाई। ठीक आंगो पूरो पूरो आंगो लगा दा जी, पूरो पूरो अंपट। क्या कहना चाहोगे। संदीप सरकार अब की बार पार, संदीप जी पार हैं, अब की बार पार है। तो सभी युवाओं ने मतलब एकजुट होकर के कार्यक्रम करवाया। बिल्कुल, तो कोई दबाव प्रेशर में तो नहीं आएंगे किसी नेताओं के, कोई आके दबाव नहीं नहीं कोई अब की बात तो संदीप सरकार जी जोश कितना है अपनी है। हाँ जी अपनी सरकार है जी, अब की बात ठीक है, अपना दम पकड़ो दीजिए, और फिर भी जिताऊंगा और आगे भी साथ, और फिर भी साथ रहूंगा जी, हमेशा ही साथ है। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ पे मोहल्ला खटीकान जो नया मोहल्ला है, और यहाँ पे जो है काफी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह का कार्यक्रम रहा, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे कार्यक्रम था, और काफी तादाद में यहाँ पे लोग भी थे,
और भीड़ देखिए अब भी जो है लगातार यहाँ पे भीड़ डटी हुई है और कुछ साथी उधर दिखाई दे रहे। देखिए सभी को दिखा दीजिएगा क्योंकि कई बिल्कुल युवा है तो वो शायद नहीं बोल सकते, कई बार क्या हेजिटेशन होती है। तो देखिए काफी लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और आज यहाँ पे प्रोग्राम था तो काफी अच्छी गैदरिंग यहाँ पर रही। तो सर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस खबर को ज्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।